मुझे याद है कि आपको कुछ ही संकेत बताए थे, बहुत से बाकी हैं तो देर क्यों की जाए। आपको बचे हुए शकुन अपशकुन बता देती हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में संकेत से पहले पता चल जाए और आप उन्हीं के मुताबिक खुद को ढाल सकें। अगर सपने में अपने गुरु या माँ को देखते हैं तो ये अच्छा शकुन है, आपके साथ कुछ ना कुछ बेहद पॉजिटिव होगा। अगर आप सपने में देखते हैं कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो ये अपशकुन है। अगर ऐसा सपना बार बार आता है तो सूर्य को जल चढ़ाएं। होंठ का फड़कना शुभ शकुन है, इसका संकेत है कि व्यक्ति को अपने किसी प्रिय का साथ जल्दी ही मिलेगा। पूरे माथे का फड़कना अशुभ शकुन है, इसका संकेत ये है कि बहुत मेहनत भरी परेशानी के बाद व्यक्ति को फल मिलेगा। अगर सपने में किसी स्त्री की आंख से आंसू गिरते देखें तो ये शुभ शकुन है, इसका संकेत है कि उस स्त्री को जल्द ही धन या आभूषणों की प्राप्ति होगी। सपने में अगर किसी स्त्री को अपने कंगन खनकाते हुए दिखें तो ये अपशकुन है, इसका मतलब कि जल्दी ही उसे अपमान झेलना पड़ सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्दन का फड़कना शुभ शकुन है, इससे व्यक्ति की नई नई और सफल लोगों से दोस्ती होती है। अगर बायां कान फड़कता है तो ये अपशकुन है, इससे मन में डिप्रेशन आता है। अगर कोई पीठ के पीछे छींकता है तो ये शुभ शकुन है, इससे व्यक्ति की हेल्थ ठीक रहती है। किसी चीज़ को खरीदते समय छींक का आना अशुभ है, इसका संकेत है कि इस खरीदारी का सुख ज़्यादा नहीं मिलेगा। दाई भुजा का फड़कना शुभ शकुन है, जो संकेत करता है कि जल्द ही परिवार में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। किसी भी पाँव की पिंडली का फड़कना, पाँव की पिंडली का फड़कना अपशकुन माना जाता है, किसी बाहरी शत्रु से कुछ नुकसान हो सकता है। दाएं पाँव का फड़कना शुभ शकुन है, ये संकेत है कि जल्द ही व्यक्ति के कष्टों का अंत होगा। बाएं हाथ के अंगूठे का फड़कना अपशकुन है, इससे व्यक्ति के दिमाग या सोच पर दोष लगने के चांसेस होते हैं। अगर सपने में किसी पुरुष को लेदर की जैकेट पहने हुए कोई दिखे तो ये शुभ शकुन है, घर में किसी से सेना या पुलिस से नौकरी लगने की या गवर्नमेंट जॉब लगने के संकेत हैं। अगर किसी स्त्री को कोई भी जैकेट पहने हुए देखे तो ये अपशकुन है, घर में किसी के बीमार होने का संकेत है। रात को सोते में व्यक्ति का मुस्कुराना शुभ शकुन है, इसका मतलब कि जल्दी उस व्यक्ति को किसी काम का अच्छा फल मिलने वाला है। सुबह सोते हुए व्यक्ति का मुस्कुराना ज़्यादा शुभ नहीं होता, ऐसी धारणा है कि ऐसी मुस्कुराहट दिन भर में उसे परेशानी बढ़ने के संकेत देती है। अब आपको आगे बढ़ने से पहले एक खास जानकारी देती हूँ, आपको गुड़ से जुड़े उपाय बता देती हूँ। ये खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, साथ ही इसके उपाय भी बहुत कारगर होते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, दुर्घटना से बचाव क्या है। अगर आपके मन में किसी दुर्घटना या सर्जरी का डर है तो आप तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान दें। इसके बाद वहीं बैठकर धूप दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा कुछ मंगलवार और शनिवार को करें। जब भी समय मिले तो श्रद्धा अनुसार करते रहें, इससे आपके जीवन में इस तरह का संकट कभी नहीं आएगा। अगर सूर्य नीच का हो तो जिसका सूर्य नीच का होगा उसके मुंह में हमेशा लार बहती रहेगी और शरीर के अंग बेकार हो जाएंगे। इस स्थिति में गुड़ खाकर जल पीकर काम शुरू करें। बहते पानी में गुड़ चढ़ाएं। 800 ग्राम गेहूं और 800 ग्राम गुड़ रविवार से 8 दिन तक मंदिर में गिफ्ट करें। प्रॉपर्टी के लिए क्या करें, आपका कोई मकान नहीं बन पा रहा है या बनने के बाद बिकने की नौबत आ रही है तो आप ये 3 उपाय आजमाएं। क्या उपाय हैं? आपको हर शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराना है। दूसरा, रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। और तीसरा, शनिवार के दिन शनि मंदिर में छाया दान करें। ऐसा लगातार करने से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। मनोकामना पूरी करने के लिए क्या करें, 7 गुड़ की डलियों के साथ 1 रुपये का सिक्का और हल्दी की 7 साबुत गांठ पीले कपड़े में वीरवार को बांधकर किसी सुनसान जगह पर फेंक दीजिए। फेंकते समय अपनी मनोकामना बोलें, ऐसा करने से मनोकामना पूरी होगी। कर्ज मुक्ति के लिए कहा जाता है कि भोजन में गुड़ का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते रहने से धन की अचानक बढ़ात होती है। कुछ भोग लड्डू या गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, लाभ ही लाभ होगा। भाई बहन से समझौता करें, बहन या भाइयों से कोई समस्या हो तो 1.25 किलो गुड़ जमीन में दबाने से समझौता होता है, ऐसा मंगलवार को करें। हालांकि ये उपाय किसी अच्छे ज्योतिष से पूछकर ही करें।